वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एएसपी टेक्निकल सर जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केआईटी काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिर्जा मुराद वाराणसी उत्तर प्रदेश। यानी कि जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दे रखा है कि ये जो कॉलेज आपका केआईटी है काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें कौन से कोर्सेस हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दे रखा है कि डी फार्मा की फीस कितनी है, प्लेसमेंट होती है कि नहीं होती है, और साथ साथ बीटेक यानी कि बीटेक के लिए कॉलेज कैसा है, बीटेक का प्लेसमेंट कितना होता है, कितना हाईएस्ट गया है, मतलब हर एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में ये सब बता दे रखा है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो आज हम जानने वाले हैं कि बी फार्मा के लिए कॉलेज कैसा है, कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है, कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, कॉलेज का फीस कितना है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कॉलेज का जो प्लेसमेंट है यानी कि प्लेसमेंट कितना होता है या प्लेसमेंट कितने लोग का हो जाता है, और इसमें ये भी हम देखने वाले हैं कि सीट यानी कितनी सीट है यहाँ पर बी फार्मा के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर यदि आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप लोग 12th पास आउट हैं और आपका PCM और PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों लोग बी फार्मा कर सकते हैं, चाहे मैथ वाले हो चाहे बायो, लेकिन आपका 50% इंटर में होना चाहिए। PCM वाले भी PCB वाले दोनों को अगर इंटर में 50% एवं आपके मार्क्स हैं तो आप यहां पर बी फार्मा कर सकते हैं, चाहे मैथ वाले हो चाहे बायो वाले दोनों लोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इस फॉर्म मतलब कि कौन सा फॉर्म आपको फिल करना होता है इसके लिए, तो जो CUET का फॉर्म होता है यानी कि आपको बी फार्मा करना है तो CUET का फॉर्म डालना होता है। जैसा कि इसका भी डेट खत्म हो गया है, लास्ट साल 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल इसका लास्ट डेट था CUET का, और ये इसका डेट जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगर जो लोग फिल किए होंगे तो वो लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं। तो अगर भी हम बात करें KIT का, तो KIT के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर पढ़ाई फीस रिलेटेड हर एक चीज़ की मतलब कैसा है, तो जैसे कि अगर सबसे पहले हम बात करें कि कॉलेज में पढ़ाई कैसी होती है जो बी फार्मा की, तो हम जैसा कि आप सबको पता होगा कि पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर यदि पढ़ाई अच्छी होगी तो आपका प्लेसमेंट ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, अगर पढ़ाई अच्छी नहीं हुई आप पढ़े अच्छे से नहीं तो प्लेसमेंट आपका अच्छे से नहीं होता है। तो हर एक चीज़ पढ़ाई पर डिपेंड करता है। तो पढ़ाई के मामले में कॉलेज ठीक है, एक एवरेज कॉलेज हम मान सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि 10 में से आप इसको 6 का रेटिंग दे सकते हैं पढ़ाई के मामले में, यानी कि ठीक है सही है। और अगर यही हम बात करें कॉलेज कैसा है, तो कॉलेज कैसा है आपको मैंने पिछले वीडियो में मतलब बहुत अच्छे समझा दिया रखा है, और मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि कॉलेज जो कैंपस वैम्पस या क्लासरूम आपका है बहुत ही बढ़िया है। और यदि हम बात करें क्लास टीचर के, तो वहाँ पर जो भी टीचर्स हैं वहाँ पर यानी कि आपको जो फैकल्टी मिलने वाली फैकल्टी अच्छी फैकल्टी मिलेगी, जो कि क्लासेस आपके बंक नहीं होते, क्लासेस कंटिन्यू वहाँ पर चलते रहते हैं। और पढ़ाई कैसी होती है, पढ़ाई वहाँ पर अच्छी होती है, पढ़ाई कहीं से कम नहीं है, पढ़ाई बढ़िया। अगर हम बात करें सीट का यानी कि सीट अवेलेबिलिटी कितनी है, तो सीट अवेलेबिलिटी देखना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूँ 100 सीट है यानी कि 100 सीटें वहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है। और आप सबको पता ही होगा कि ये जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा 4 साल के कोर्स होते हैं। अगर हम बात करें इसकी फीस का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लोग सबसे ज़्यादा पता करते हैं फीस, यानी कि अगल बगल जो भी कॉलेज मिल जाएंगे आपको सब लोग पता करते हैं कॉलेजों की फीस कितनी है। तो मैं बता दूं इस कॉलेज का फीस आपका टोटल जो 4 साल का फीस है 540,000 आपका टोटल यानी 4 साल का फीस लगने वाला है। अगर ईयरली देखना है यानी 1 साल का, तो 1,40,000 आपका फीस लगेगा। ये बी फार्मा का आपका फीस है जो कि 1,40,000 पर ईयर और 4 साल का आपको मिला के 540,000 टोटल फीस लगने वाला है। और अगर यदि हम यही बात करें इसके हॉस्टल का, तो हॉस्टल जो फीस इसका 64,500 रुपये, ये हॉस्टल का आपका फीस है। अब बचा हमारा आखिरी प्लेसमेंट, यानी लोग ये सोचते हैं एडमिशन करा ले फिर प्लेसमेंट ठूक ना हो, और कुछ लोग तो ये भी होते हैं कि चलो अपना खुद का मेडिकल स्टोर डालना है, एजेंसी डाल के चलाना है, तो भाई ठीक है अगर खुद का डालना है तो सही है, नहीं अगर प्लेसमेंट कराना चाहते हैं तो वहाँ पर कंपनी आती है, प्लेसमेंट होते हैं। तो अगर यदि हम प्लेसमेंट की बात करें तो आपको एक चीज़ बता दें कि 100 में से 70% या कह लीजिए 70 लोग का 100 में से प्लेसमेंट हो जाता है,
अगर ये अन एवरेज है, अगर आप पढ़ने में तब भी आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो प्लेसमेंट की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में यही होता है कि जो प्लेसमेंट्स होते हैं बहुत कम होता है, लोगों को बहुत कम लगता है प्लेसमेंट, लेकिन वो आगे जा कर के जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे आपका प्लेसमेंट भी इंक्रीज करते जाता है। ठीक है, तो ये सब था दोस्तों आपका जो कि KIT, यानी कि जो लोग भी फार्मा करना चाहते हैं KIT से, तो उनको मैंने ये चीज़ बता दिया सब कुछ, चाहे फीस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे फैकल्टी हो, यानी जो भी चीज़ें वहाँ पर मैंने हर एक चीज़ आपको बता दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।